हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आज पूर्वी मैदानी भाग के बारे में। जो लोग पहले इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले आप प्रीवियस वाले वीडियोज को देखिए और तभी आप सीरीज बाई सीरीज इस वीडियो तक आइए, ताकि आपके कंसेप्ट शुरू से ही क्लियर होते चलें। ठीक है, तो हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर जहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है, तो पूर्वी मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला है? राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 23.3% भाग पर है पूर्वी मैदानी भाग, और जनसंख्या कितनी है? 39%, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। देखिए, 23 पे 39 कर रही है, 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास कर रही है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अभी पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस हिस्से का है, किस भाग का है? पूर्वी मैदानी भाग का है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61% भाग पर जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। अभी क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ पे 61 भूभाग तो कितना है 61% और जनसंख्या कितनी है 40, वहीं पूर्वी मैदानी भाग का हाल देखो, 23% भाग है लेकिन जनसंख्या 39% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमारी पूर्वी मैदानी भाग पर निवास करती है। नेक्स्ट आइए, देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में नौ में दस हमने पढ़ी थी ना, 9% भाग पर जहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है ना, 9% भाग पर फैला हुआ है अरावली पर्वतीय प्रदेश और जनसंख्या कितनी है 10%। पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। जो अरावली की पर्वतमाला जो फैली हुई है ना हमारी, उसके पूर्व में स्थित जो भूभाग है वो पूर्वी मैदानी भाग होगा। पूर्वी मैदानी भाग में मुख्यतः 10 जिले आते हैं। कितने जिले हैं? 10 जिले। नाम देखिए, जयपुर भरतपुर, दौसा ढोलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये कौन से हैं? पूर्वी मैदानी भाग के 10 जिले हैं। ठीक है, जयपुर भरतपुर, दौसा ढोलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकी वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर इनमें वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर और जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी है। पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व की ओर है, तभी तो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। देखा, जैसे कोई भी नदी है, चंबल नदी है, कोई भी नदी है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है अपनी। क्यों बहती है? क्योंकि उनका ढाल पूर्व की ओर है। पानी हमेशा कहाँ जाता है? ढाल की ओर जाता है ना। तो पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। ऐसा पूछ लिया जाता है, पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस तरफ है? तो ढाल पूर्व की तरफ है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल जाएगा। तो इसीलिए सारी नदियाँ जो है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब देखिए, पूर्वी मैदानी भाग को 3 उपविभागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्वी मैदानी भाग के 3 उपविभाग हैं, 3 उसके सबसेक्शन कर दिए हैं, बनास, चंबल और माही बेसिन। कौन कौन से हैं? बनास, चंबल और माही का बेसिन। आगे देखिए, हम बात करेंगे बनास के बेसिन की। देखिए, बनास के बेसिन में याद रखो, पीडमांट और मालपुरा का मैदान और खेराड़। देखिए, पीडमांट क्या होता है? पीडमांट तो है अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान। क्या चीज़ है पीडमांट? अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान। अभी मान लो पूछ ले कि अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान का क्षेत्र क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन दे दें आपको, पीडमांट, मालपुरा का मैदान, खैराड़, तो आपको क्या लगाना है? अपशिष्ट याद रखना है, अपशिष्ट पहाड़ियाँ, तो आपका आ जाएगा पीडमांट। अब इसको समझो, कहाँ से है? देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित है। देवगढ़ से राजसमंद के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान पीडमांट कहलाता है। फिर है मालपुरा का मैदान। मालपुरा का मैदान कौन सा है? जो उपजाऊ मैदान है ना, वो मालपुरा का मैदान है। बनास नदी से निर्मित मालपुरा, जो कि कहाँ है? टोंक में। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान मालपुरा का मैदान कहलाता है। मालपुरा से करौली के मध्य स्थित
कौन सा मैदान है? उपजाऊ मैदान, मालपुरा का मैदान कहलाता है। अब आगे देखिए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ का मैदान कहलाता है। तो ये देखिए सारा ना मेवाड़ का ही तो एरिया है, ये चारों ज़िले जो दिए हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, चारों मेवाड़ में ही आते हैं। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, तो ये इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे? मेवाड़ का मैदान कहलाता है। और किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? मक्का के उत्पादन के लिए, मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब है खैराड़ क्या होता है? खैराड़ क्या होता है? ये जो ऊबड़ खाबड़ भूमि है ना, ये खैराड़ कही जाती है। कहाँ की है ये? भीलवाड़ा के जहाजपुर से और टोंक के मध्य में, जहाजपुर से टोंक के मध्य में स्थित ऊबड़ खाबड़ भूमि। ध्यान रखना, जो ऊबड़ खाबड़ भूमि है वो ही खैराड़ है। ऐसे याद रखो, खैराड़ जो है ना उसमें भी ड आ रहा है, और ये ऊबड़, ये खाबड़ और ये खैराड़ सब में ड ड ड लास्ट में आ रहा है। तो खैराड़ क्या है? ऊबड़ खाबड़, ऐसे याद रखो, जहाजपुर से टोंक के मध्य। अब देखो, बनास नदी का उद्गम राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? खमनौर की पहाड़ियों से है बनास नदी का उद्गम, जो कि कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के निकट से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ के निकट है, वहाँ से बनास नदी निकलती है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम है। और सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में चंबल में मिल जाती है ये बनास नदी। कहाँ मिल रही है? चंबल में। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे चंबल बेसिन की। चंबल नदी बीहर या उत्खनन भूमि का निर्माण करती है। तो पता है, जब भी बीहर की बात आती है ना, तो याद रखो चंबल नदी की बात आती है। कौन सी नदी है जो राजस्थान में बीहर बनाती है? तो केवल एक ही नदी ऐसी है जो बीहर बनाती है, जहाँ जहाँ से जाती है बीहर बनाती है, चंबल नदी है। और क्या होता है, बीहर भूमि जो कट जाती है ना, जहाँ पे से भी चंबल नदी का पानी गुजरता है वहाँ भूमि का कटाव हो जाता है, तो भूमि ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। और इसीलिए आपने सुना होगा चंबल के बीहर में डाकू बहुत रहते हैं। ठीक है, नदियों के बहाव से बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव होता है। ये जो नदियों का बहाव होता है ना चंबल नदी के बेसिन में, तो वहाँ से भूमि कटती है, उसको बीहर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहर भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। ठीक है, सर्वाधिक बीहर भूमि कौन बनाती है? चंबल नदी। और बीहर का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। बीहर का जो पठारी भाग है डांग कहलाता है। और आपको पता है डांग की रानी क्या है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। कौन सा जिला है डांग की रानी? करौली। अब देखिए, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पावा की पहाड़ी। चंबल नदी जाना पावा की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से यमुना में मिलने तक बीहर भूमि का निर्माण करती है। ठीक है, मऊ से जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और मिलती कहाँ है? मध्य प्रदेश यमुना में मिलने तक, यमुना नदी में मिल जाती है। ऐसे याद रखो, चंबल राजस्थान की जान है, क्योंकि बारहमासी नदी है, हमेशा बहती रहती है ना। तो चंबल नदी राजस्थान की जान है। तो जान से क्या हुई? जाना पावा। तो ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है मऊ से। मऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है मऊ। और मिलती कहाँ है? यमुना में मिलती है। अब देखो, ये देखो चंबल नदी का एरिया कौन कौन सा है, किन किन जिलों से चंबल नदी निकलती है। तो देखो, दो तो चाय याद कर लो, जैसे जैसे चंबल आ रहा है तो जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चंबल, जैसे चित्तौड़गढ़। अब देखो, कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। जैसे मान लो किसी के यहाँ खाना खाने गए और वहाँ कोट पहन के गए, और खाना खाते खाते बूंदी खा रहे थे, तो कोट में बूंदी सवाई ली ढोल। सवाई से मतलब सारी समझो यहाँ पर, कि सारी बूंदी ढोल ली कोट में ही। कोट पर ही क्या किया? कोट में ही पूरी बूंदी ढोल ली, सवाई बूंदी ढोल ली, मतलब सारी बूंदी कोट में ही ढोल ली। तो देखो, कोट से कोटा, बूंदी से बूंदी हो गया, सवाई से क्या हुआ? सवाई माधोपुर। ली करौली का ली ले लो, और ढोल ढोल से मतलब ढोलपुर। कोट में बूंदी सवाई ली ढोल, कोट से कोटा, बूंद से बूंदी से बूंदी, सवाई से सवाई माधोपुर, ली से करौली और ढोल से ढोलपुर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे माही बेसिन की। कौन कौन से बेसिन की बात थी? चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। तो हम अब माही बेसिन बोलेंगे।
और माही बेसिन को ही छप्पना बेसिन बोलते हैं, छप्पना बेसिन, छप्पन का मैदान, ठीक है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है। कौन सा है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र। छप्पन गांवों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं छप्पन का मैदान? क्योंकि यहाँ पर छप्पन गांवों का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। जो माही नदी के जो तट वाला हिस्सा है ना, तटवर्ती भाग है, उसको प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ का पहले नाम भी था ना, कांठल प्रदेश में आता था प्रतापगढ़। और राजस्थान का यह दक्षिणी भाग बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बागड़ मतलब ये जो बांसवाड़ा वाला एरिया है ना, इसको बागड़ बोलेंगे। तो माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ जिले में क्या कहलाएगा? कांठल कहलाएगा। और राजस्थान का दक्षिणी भाग बागड़ के नाम से प्रसिद्ध है, बागड़। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार और लावा का पठार। जब आपसे पूछे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में, तो कौन सा आएगा? हाड़ौती का पठार आ जाएगा, जिसको लावा का पठार भी कहते हैं। इसमें ही आ जाएगा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती वाला एरिया आएगा, कोटा बूंदी वाला, कोटा बूंदी है ना, ये वाला हाड़ौती का एरिया होता है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मैंने आपको बताया था ना, पठार और पर्वत की जब आए तो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और मरुस्थल और मैदान आए तो किसका अवशेष है? तैथीस सागर का अवशेष है। तो इस तरह याद रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसके बारे में हम देखते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 7% भूभाग पर फैला हुआ है, जहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7% तो भूभाग कवर कर रहा है ये, और जनसंख्या 11%, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा देखो 80 से 120 सेंटीमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछे जब तो माउंट आबू लगाना है, और जिला पूछे तो झालावाड़ लगाना है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, दोनों ऑप्शन दे देते हैं और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर स्थान की बात करें तब तो सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में, और ज़िले की बात करें तो झालावाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मुख्यतः 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ठीक है, तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का कुछ भाग आता है। कौन कौन से आते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, और फिर बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा का कुछ भाग आएगा। इनकी जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। बारिश ज़्यादा हो रही है ना उधर झालावाड़ साइड, तो अति आर्द्र जलवायु। मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी कैसी है? काली उपजाऊ मिट्टी, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी की चट्टानों से, तभी तो वो लावे से निकलती है ना, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वहाँ से काली मिट्टी निकलती है, तभी तो काले रंग की होती है। यहाँ लाल मिट्टी भी पाई जाती है। अब देखिए, फसल कौन कौन सी होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में? मुख्यतः कपास की है। देखो, जहाँ काली मिट्टी आ गई तो कपास तो आना ही है। काली मिट्टी में ही कपास की फसल बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, चावल और संतरा, ये फसलें होती है। जैसे झालावाड़ का एरिया आ रहा है ना, झालावाड़ में संतरा बहुत बहुत अधिक और बहुत अच्छी किस्म का, ठीक है। और देखो, गन्ना, तंबाकू, अफीम, चावल, तो कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, चावल और संतरा, ये इनकी फसलें हैं यहाँ की। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ढाल कई बार पूछ लिया जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है उसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। इसी कारण चंबल नदी और इसकी सहायक नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। इस भाग में जो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, क्योंकि ढाल उसी तरफ है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जहाँ ढाल होगा वहीं नदियाँ जाएंगी, है ना। आगे देखिए,
दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन का गार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। ठीक है, दो भागों में दक्षिणी पूर्वी पठार को विभाजित कर रहे हैं, विंध्यन कगार और दक्कन का लावा पठार। तो देखिए, विंध्यन कगार भूमि विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है जो चूना पत्थरों से और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि किसका भाग है? विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है और चूना पत्थरों से और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दक्कन के लावा पठार में बलुआ पत्थरों के साथ साथ सलेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। जो दक्कन का लावा पठार है उसमें सलेटी पत्थर भी पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर हैं एक तो, एक सलेटी पत्थर हैं। और कौन सा भाग है इसमें? कोटा बूंदी का पठारी भाग भी इसी क्षेत्र में आता है। कोटा बूंदी का पठारी भाग मतलब मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और ये सब। ठीक है, बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में हैं। आगे देखिए, बूंदी की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? चंद्राकार है। बूंदी की पहाड़ियों का आकार चंद्राकार है। कुंडला की पहाड़ियाँ, कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलनुमा पहाड़ियाँ मतलब कुंडल जैसी शेप की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो आप पूछे कुंडला की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में हैं, तो कोटा शहर के चारों ओर स्थित। हाड़ौती पठार में ही मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी, ऊंचाई 517 मीटर। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इनका आकार कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा है। घोड़े की नाल के जैसा आकार है रामगढ़ की पहाड़ियों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसका, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नदियाँ करेंगे, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे हम। थैंक यू।